अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक उपटन पे वीडियो, जो कि सईद गनी का उपटन है। पैकेजिंग पे मत जाइएगा, पैकेजिंग देख के ये मत सोचिएगा कि ये इस तरह से दिखता है, इस तरह से नहीं दिखता है। ये बहुत ही क्यूट से छोटू सी मिनी सी पैकेजिंग में आता है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये मुझे भी ऐसे ही रिसीव हुआ था, काफ़ी देर पहले रिसीव हो गया था। इसके अनबॉक्सिंग की वीडियो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। रिव्यू बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, दो थे मेरे पास, एक मैं फुली कंप्लीट फिनिश कर चुकी हूँ। तो ये दूसरा था मेरे पास, तो मैंने कहा आपको यूज़ करने का तरीका भी बता दूँ आप लोगों के साथ, इसके बेनिफिट्स और इसका रिव्यू शेयर करूँ, जो कि मैंने बोला था कि जल्द ही शेयर करूँगी। तो लेट हो गया, जिसकी वजह से पैकेजिंग मिसप्लेस हो गई है मेरे से। आज हम बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के, उपटन के हमारे फेस पे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर मेंशन होता है कि ये ऑल स्किन टाइप्स हैं, उसमें नॉर्मल कॉम्बिनेशन ड्राई ऑल स्किन्स आ जाती हैं, और इसके ऊपर मेंशन नहीं है, लेकिन इसमें एक खासियत ऐसी है कि इसे हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि हमारी स्किन ऑयली है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, सुपर ड्राई है या सुपर ऑयली है। तो हमारी स्किन जैसे भी है, हम उस स्किन के अकॉर्डिंग इसको रेडी कर सकते हैं। कैसे, यही आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये सईद गनी का खास संदल उपटन है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहाँ पे उसके ऊपर मेंशन है तरीका यूज़ करने का, आपने इसको यूज़ कैसे करना है। इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है, जो कि 3 ईयर्स तक, 3 साल तक ये चलेगा नहीं, उतनी क्वांटिटी नहीं होती, लेकिन उसकी एक्सपायरी डेट होती है, अगर आप रख दें तो 3 साल तक रहती है। ये संदल से तैयार किया जाता है, संदल खास संदल उपटन है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स में संदल मेंशन ही नहीं था, आई डोंट नो व्हाई, बट आप इसके इंग्रेडिएंट्स ज़रा गौर से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। अच्छा, तो इसके बॉक्स के ऊपर इन्होंने जो तरीका मेंशन किया हुआ है इसको यूज़ करने का, सिंपल वाटर के साथ, सिंपल प्लेन वाटर के साथ उन्होंने लिखा हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपकी स्किन अगर ड्राई है, नॉर्मल है, कॉम्बिनेशन है या सुपर ड्राई है, जैसे भी है, उसके अकॉर्डिंग हमें रेडी करना है। तो रोज़ वाटर के साथ अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सिंपल प्लेन वाटर के साथ उन्होंने बोला है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल कॉम्बिनेशन है तो सिंपल प्लेन वाटर के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी स्किन सुपर ऑयली है या ऑयली हो जाती है गर्मियों में, तो रोज़ वाटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो रोज़ वाटर भी है इनका, सईद गनी का रोज़ वाटर आप लोग देख सकते हैं। ये विटामिन सी रोज़ वाटर है, सिंपल रोज़ वाटर भी इनका आता है, आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, चाहें तो ये भी ले सकते हैं, इट्स ओके, कोई सा भी रोज़ वाटर आप लोग ले सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मैं रिव्यू दे चुकी हूँ, मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हैं। और अगर आपकी स्किन सुपर ड्राई है आपकी स्किन, तो आप इसको मिल्क में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं, रॉ मिल्क में ऐड करके यूज़ कर सकते हैं। गोट मिल्क है तो परफेक्ट, गोट मिल्क नहीं है तो कैमल मिल्क या कोई सा भी मिल्क, गाय का दूध तो हर एक घर में होता ही है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है, झंझटों में नहीं पड़ना कि ये नहीं है तो अब क्या करें, लकीर का फ़कीर नहीं बनना, अपनी लाइफ को इजी बनाएं। जब हमारा काम आसानी से भी हो सकता है तो मुश्किलों में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, अपनी लाइफ को इजी बनाना हमारे ही हाथों में होता है, चाहे वो कोई रेमेडी हो या हमारी लाइफ हो। तो गाइस, रोते रहेंगे तो रोते ही रह जाएंगे, अपनी लाइफ को ईजी हम खुद बनाते हैं, लोगों के हाथों में रहेंगे तो बस छोड़ ही दें आप। चलो जी, बैक टू हम रेमेडी में आते हैं अपनी। तो मैंने स्किन टाइप्स अगर आपके अलग अलग हैं, इसके ऊपर अगर मेंशन नहीं है, ये सवाल भी होते हैं कि इनके ऊपर मेंशन नहीं है, हमारी स्किन टाइप ये है, ये है, ये है, तो क्या हम इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका हल भी मैंने आपको बता दिया है। बहुत ज़्यादा ड्राई है, सुपर ड्राई है, ड्राई है, तो आप रोज़ वाटर्स यूज़ कर सकते हैं। सईद गनी का रोज़ वाटर है, ये मरहबा का रोज़ वाटर है, किसी मेडिकल स्टोर से कहीं से भी आपको मिल जाता है। और ये सईद गनी का रोज़ वाटर है, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। और उसके बाद ये है जी दूध, खास संदल उपटन है, और भी बहुत सारे उपटन है, मैं वो भी यूज़ कर चुकी हूँ, उसका भी रिव्यू आपके साथ जल्द शेयर करूँगी, वो भी सईद गनी का है। बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से अपनी रेमेडी तैयार कर लेते हैं। अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा फाइन नहीं थी, सुपर फाइन नहीं थी, बस फाइन थी, नॉर्मल थी। और इसकी सेंट की बात करें अगर हम, तो इसकी सेंट बहुत ज़्यादा तेज़ है, जैसे कोई डिटर्जेंट, कोई वॉशिंग पाउडर नहीं होता, उस तरीके की इसकी सेंट है। ओवरऑल ये बहुत अच्छा काम करता है, बस इसकी सेंट से थोड़ा सा मुझे तेज़ लग रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। मैंने इसमें दूध ऐड किया था, बिकॉज आजकल मेरी स्किन ना थोड़ी थोड़ी ड्राई चल रही है, रोज़ वाटर भी ऐड कर लेती, बट ये थिक नहीं रहा, थोड़ा सा ये ज़्यादा दूध ऐड हो गया इसमें, तो अब मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ। आप दूध और रोज़ वाटर एक साथ भी ऐड कर सकते हैं, अलग अलग भी, सेपरेट भी ऐड कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल ड्राई स्किन के लिए भी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी सुपर ड्राई स्किन है ना, तो आप इसमें ये ऐड करें, और एक थोड़ा सा लिटिल अमाउंट में हनी भी ऐड कर सकते हैं अगर सुपर ड्राई है, नॉर्मल ड्राई में आप ये सिंपल भी ऐड कर सकते हैं, और सुपर ऑयली में आप इस रोज़ वाटर को सिंपली ऐड कर सकते हैं। ये पेस्ट बनके रेडी हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं आपको इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ। अरे, आप लोग देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के सामने ही इसको मिक्स करके बनाया था, तैयार किया था, और अभी भी इसमें ये पेस्ट, ये मास्क बाकी है, उपटन बाकी है। मैंने दो फेस पे इसको अप्लाई किया है,
उसके बावजूद भी इसमें बाकी है, लिटिल अमाउंट में क्वांटिटी में जाता है, बहुत ही थोड़ा सा आपके फेस के लिए ट्राई होता है। मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया, फेस पे और लग सकता है, हैंड वगैरह पे अब अप्लाई कर लूँगी। ये इतना एक्सपेंसिव भी नहीं होता, बजट फ्रेंडली है। इसको वॉश करने के बाद स्किन पे एक ग्लो आता है और आपकी स्किन नीट हो जाती है, बिल्कुल ही नीट हो जाती है, ठीक है। मास्क के तौर पर, उपटन के तौर पर आराम से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। दुल्हनों के लिए आप लोग देखते हैं कि शादी होने वाली होती है, उपटन की रस्म मस्ट की जाती है, जिसमें सजदे नीचे उपटन मोस्टली लाए जाते हैं। अच्छा, तो ब्रांड भी और पता भी चीज़ अच्छी होती है, ओरिजिनल होती है, सबसे मेन बात। आप ले सकते हैं, आराम से इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लगाने से आपका चेहरा बहुत ही नीट एंड ग्लोइंग हो जाता है। मेन बात जो कि हमारे लोग वाइटनिंग के पीछे बहुत सारे पागल हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं कि उपटन वाइटनिंग क्लेम नहीं करते। उपटन का काम होता है आपकी स्किन को नीट करना और ग्लो प्रोवाइड करना। ये हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं तो आराम आराम से इनके रिजल्ट आते हैं, लंबे तक रहते हैं। फॉर्मूला क्रीम्स या चीज़ों की तरह नहीं कि जल्दी जल्दी आ जाए और जल्दी जल्दी चले भी जाएँ। अभी भी इतना बच चुका है, अब इसको अगर ऐसे आप लोग ओपन कर लें तो इसकी पैकेजिंग कुछ जार में होता है, कंटेनर में होता तो ज़्यादा अच्छा था। चले कोई नहीं, कोई आपके पास खाली कंटेनर होगा तो आप उसमें इसको डाल सकते हैं, मैं भी रख लूँगी, वैसे इसको रख तो नहीं सकते हैं। उसके बाद बात कर ली जाए इसके बेनिफिट्स की, इनके बेतहाशा बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपकी स्किन के ऊपर ये क्या क्या काम करता है। अच्छा, ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बहुत सही काम करता है, हर्बल प्रोडक्ट है, जिसके सबसे बड़ी चीज़ के कोई नुकसान नहीं होता, अप्लाई करने का फायदे ही होते हैं। इसको मैं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन इसकी एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो इसकी सेंट है। सही दिन वालों को इसकी सेंट के ऊपर काम करना चाहिए, जो इसकी खुशबू है ना वो कुछ मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बहुत ही अजीब सी थी, ये समझ ही नहीं आ रहा था क्या है ये, क्या सेंट है, क्या खुशबू है। बाकी काम इसने ठीक किया था, आप मित्र से ये रेकमेंडेड है, आप लोग ले सकते हैं। ब्राइड्स के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ होती है ये, और नॉर्मल डेज में भी आजकल लड़कियों को अपनी सेल्फ केयर करनी ही चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो है आपको पता चल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।